हेलो माय डियर व्यूअर्स वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों आज इस वीडियो में हम होंडा अमेज के ई वन पॉइंट टू लीटर पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट का डिटेल्ड कंपैरिजन टाटा टिगोर के एक्सजस वेरिएंट से करेंगे जिनका प्राइस रेंज लगभग सेम है होंडा अमेज़ का ई पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट एक्स रूम प्राइस 7.13 पॉइंट में मिलता है जबकि टिगोर का एक्सजेट प्लस वेरिएंट 7.25 पॉइंट टू फाइव लैक्स रुपये एक्स रूम प्राइस दिल्ली में मिलता है अगर बात करें इंजन ऑप्शन की तो दोनों में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है होंडा अमेज के 1.2 लीटर पेट्रोल फोर सिलेंडर इंजन में 89 bhp का पावर 6000 थाउजेंड पर 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क 4000 थाउजेंड पर मिलता है इसमें आपको 18.6 पॉइंट के एम का माइलेज क्लेम किया जाता है और फाइव स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है टाटा टिगोर के 1.2 लीटर थ्री सिलेंडर पेट्रोल इंजन में 85 फाइव का पावर 6,000 थाउजेंड पर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क 3,300 थाउजेंड पर मिलता है इसमें आपको 19.2 पॉइंट टू के एम का माइलेज क्लेम किया जाता है जबकि इसमें भी आपको मैनुअल फाइव गियर का ही ऑप्शन मिलता है बात करें डायमेंसन की तो टाटा टिगोर में टू एम एम लेंथ कम मिलता है एटीन एम एम विस्थ कम मिलता है हाइट थर्टी फोर एम एम ज़्यादा मिलता है जबकि टाटा टिगोर में ट्वेंटी एम एम व्हील वेस कम मिलता है बूट की बात करें तो आपको होंडा अमेज़ में फोर हंड्रेड ट्वेंटी लीटर का टाटा टिगोर में फोर हंड्रेड नाइनटीन लीटर का टैंक की बात करें तो दोनों में आपको फ्यूल टैंक बराबर मिलता है थर्टी फाइव लीटर्स के व्हील भी दोनों में सेम मिलते हैं स्टील रिम्स के साथ फोर्टीन इंच के सो दोस्तों ये तो बात हो गई इन दोनों के बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि प्राइस इंजन स्पेक्स और डायमेंसन की आगे बढ़े अब बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में तो दोस्तों पहले हम उन फीचर्स को देखेंगे जो कॉमन है मतलब दोनों में मिलते हैं तो चलिए देख लेते हैं पहले सेफ़्टी के कॉमन फीचर्स को दोनों में आपको टू एयरबैग्स मिलते हैं सीट बेल्ट वार्निंग एबीएस ईबीडी इंजन इमोबलाइजर और चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे कॉमन सेफ़्टी फ़ीचर्स मिल जाते हैं दोनों का क्रैश टेस्ट हो चुका है और दोनों को ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में फोर स्टार्स मिले हैं आउट ऑफ फ़ाइव अब बात कर लेते हैं कंफर्ट, कन्वीनियंस और स्टाइलिंग के कॉमन फीचर्स की तो दोनों में आपको मैनुअल एसी, हीटर रियर पार्किंग सेंसर हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर ट्वेल्व वोल्ट पावर आउटलेट फोर वे मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर को ड्राइवर सीट सिक्स वे ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट मिलता है टाटा टिगोर में फैब्रिक सीट बेंच फोल्डिंग रियर पैसेंजर सीट फ्रंट एंड रियर हेडरेस्ट फ्रंट का फोल्डर्स ब्लैक ओ आर बी एम फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज़ वन टच डाउन ड्राइवर विंडो एडजस्टेबल ओ आर बी एम फ्रंट एंड रियर डोर पॉकेट्स रूफ माउंटेड एंटीना बॉडी कलर्ड बम्पर्स हेलोजन हेडलाइट, हेलोजन टेल लाइट टिगोर में एल ई डी मिलती है केबिन लैम्प्स हेडलाइट हाइट एडजस्टर एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अमेज़ में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टू ट्रिप मीटर एवरेज फ्यूल कंजप्शन डिस्टेंस टू इंपटी डिजिटल क्लॉक लो फ्यूल लेवल वार्निंग दूर आजार वार्निंग एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस एनालॉग टेकोमीटर अमेज में डिजिटल मिलता है तो ये तो बात हो गई कंफर्ट कन्वीनियंस और स्टाइलिंग के कॉमन फीचर्स की आगे बढ़े अब बात कर लेते हैं ऐसे फ़ीचर्स के बारे में जो आपको टाटा टिगोर में तो मिलते हैं लेकिन होंडा अमेज़ में नहीं तो वो सारे फ़ीचर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ब्रेक असिस्ट कीलेस सेंट्रल लॉकिंग विजुअल डिस्प्ले कीलेस स्टार्ट स्टॉप बटन टिल्ट स्टेयरिंग रियर आर्मरेस्ट विथ रियर आर्मरेस्ट विथ कप होल्डर्स कूल ग्लब बॉक्स टर्न इंडिकेटर्स ऑन ओ आर बी एम फॉलो मी होम हेडलैम्प हेलोजन फॉग लाइट एवरेज स्पीड स्विफ्ट इंडिकेटर सिक्स स्पीकर्स, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ब्लूटूथ कंपेटेबिलिटी, ऑक्स ए एम एफ एम यू एस बी एंड आई पैड कंपेटेबिलिटी ये सारे फीचर्स आपको होंडा अमेज के E 1.2 लीटर पेट्रोल मेनुअल में तो नहीं मिलते हैं लेकिन टाटा टिगोर के एक्ज वेरिएंट में मिलते हैं आप चलिए उन फ़ीचर्स को देख लेते हैं जो आपको होंडा अमेज़ में तो मिल जाते हैं लेकिन टाटा टिगोर में नहीं तो वो सारे फीचर्स हैं चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स प्लास्टिक इसका प्लेट्स ऐसे ही थोड़े बहुत फ़ीचर्स आपको होंडा आमेज में तो मिलते हैं लेकिन टाटा टिगोर में नहीं वारंटी ऑफर की बात करें तो होंडा अमेज़ में तीन साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी ऑफर मिलती है जबकि टाटा टिगोर में तीन साल या फिर एक लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर मिलती है तो दोस्तों यही रहा टाटा टिगोर के एक्स और होंडा अमेज के ई वन लीटर पेट्रोल मेनुलल का डिटेल्ड कंपेरिज़न वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें आइकन दबाएं इससे आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा वी मेडिटेशन बहुत बहुत